हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व में 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में साप्ताहिक पौधारोपण दिवस मनाने का फैसला लिया था, जिसके चलते शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानी के नेतृत्व में छरेड प्रेई पंचायत में श्रद्धांजलि स्वरूप पौधारोपण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पूर्व में प्रदेश के विकास के मसीहा रहे स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बहुमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके आदेशों व उनके समग्र विकास की सोच के साथ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है। कांग्रेस भी हमेशा उन्हीं के आदेशों व पदचिन्हों पर चलेगी। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार के बाद आज हिमाचल प्रदेश जिस भी स्थिति में खड़ा है, प्रदेश के प्रकृति और उत्थान में अद्भुत प्रयास और बहुत बड़ा योगदान महान विभूति राजा वीरभद्र सिंह का इस प्रदेश और देश के लिए रहा है। पहाड़ी राज्य होने के नाते सड़क मार्ग का पूरे हिमाचल में जाल बिछा देना और मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ और मजबूत बनाना व प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को बिना किसी राजनीतिक द्वेष के चलते राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल को अपने परिवार की तरह संजोए रखा था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो राजीव गांधी वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसके अंतर्गत आज जो शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने और यहाँ योग ग्राम पंचायत जरेड और ग्राम पंचायत लई के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और नौजवान साथियों ने ये वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया है, मैं तमाम पंचायत के प्रतिनिधियों का उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह जी थे वो ही ये वनों के कटान पे जब मुख्यमंत्री बने थे, वनों के कटान पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और जो मैं कहता हूँ देवदारों की पेटियां बनती थी, गत्ते की पेटी को लाने वाले ही वास्तव में राजा वीरभद्र सिंह जी थे। और हिमाचल प्रदेश को की अगर वनों की सुरक्षा किसने की तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने की। उसी की यादगार में उनकी स्मृति में आज जो है सब वृक्षारोपण किया है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि नौजवान युवक मंडल, महिला मंडल और तमाम साथी जो है इसकी पूरा इसका रखरखाव भी करेंगे और इनको अपने नाम देकर जो है इन्होंने पौधे लगाए हैं राजा वीरभद्र सिंह वाटिका के रूप में इसको जो है वो स्थापित करेंगे।